देख रहे हैं PNN TV भदोही की आवाज आपके साथ। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विकलांगों, दिव्यांगों और बाईसाइकिल के साथ साथ अन्य उपकरण भगवान विश्वकर्मा जी का भी आज ही के दिन जन्म है। वास्तव में विश्वकर्मा जी जिस तरह से शिल्पकार थे, ठीक उसी तरह से राजनैतिक विधा के विश्व शिल्पकार के रूप में मोदी जी जाने जा रहे हैं। आज के डेट में विश्व की राजनीति मोदी की पलकों के ऊपर चलती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक कहीं रहता हो, मोदी एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व की जनमानस में पहचाना जाता है, जाना जाता है। और जाना इसलिए जाता है कि सत्य को उद्घाटित करने की जो क्षमता माननीय प्रधानमंत्री मोदी में थी और है, ऐसी क्षमता का कोई नेता अभी तक विश्व में पैदा नहीं हुआ। बेझिझक उन्होंने बिल गेट्स के सामने कहा था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। ये क्षमता अगर किस में है, ये सच कहने की क्षमता, तो वो माननीय मोदी जी में है। और मोदी जी संपूर्ण विषयों की, मानव आवश्यकता की चर्चा न सिर्फ समाज में करते हैं, बल्कि भारत के सबसे बड़े मंच लाल किले पर जब उन्होंने कहा था कि शौचालय बनवाऊंगा, तो कुछ को लगा होगा कि एक तुच्छ बात माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर क्यों कह रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज उसका प्रभाव है कि भारत की सड़कें स्वच्छ हैं। कल जब हम चलते थे कांग्रेसी जमाने में, तो सड़कें बदबू करती थी। मानवता की सोच, व्यक्ति के जीवन की जितनी भी आवश्यकता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, 5 अगस्त को जिस तरह से माननीय मोदी जी ने रामलला के सामने दंडवत करके उनके मंदिर का शिलान्यास किया, वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में याद करने का वो दृश्य था। और साथ ही साथ माननीय मोदी जी जिस तरह से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, चीन को हैसियत बताया, और यूएनओ में उन्होंने सत्य उद्घाटित किया, यह क्षमता सिर्फ माननीय मोदी में है। और माननीय मोदी जी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में निश्चित रूप से एक वो विधा हैं जिस विधा ने साबित किया कि जन सेवा ही एक राजनीतिक का कार्य होता है, और उसको मोदी जी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज उनके कद के बराबर भारत ही नहीं, विश्व में कोई नेता नहीं है। इसीलिए लोग पलक पावड़े बिछाकर पूरे विश्व में मोदी का स्वागत करते हैं। और अमेरिका जैसे देश में जब न्यूयॉर्क में उन्होंने पहला संबोधन दिया था, तो विश्व के राजनीति में वो मैदान मगर भरा किसी राजनीतिज्ञ ने, तो वो मोदी थे और मोदी हैं और मोदी रहेंगे। उनके जन्मदिन पर हम सभी लोग पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ। आज आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के नेता हैं, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में साप्ताहिक सेवा का कार्यक्रम बनाया है। आज भदोही का जिला कार्यालय पर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय हमारे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी माननीय विधायक भदोही हैं, और हमारे सभी पूर्व जिला अध्यक्ष भी यहाँ।
पूरे विश्व में श्रद्धेय एवं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस मनाने का कार्य कर रहा है और आज भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिन है। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन है तो आज भगवान मोदी का भी जन्म है। ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग सदियों से 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम काज करिबो सो, तो आज वह सपना भी अगर किसी ने पूरा करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन औराई विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में भी मनाया गया। इस दौरान गायत्री परिवार की देख रेख में महावीर मंदिर पर हवन पूजन संपन्न हुआ। वर्षपात पर शैलेंद्र दुबे ने अखंड ज्योत का वितरण भी किया। इस दौरान सूर्य प्रकाश चौबे, प्रमोद पाठक, मोहित दुबे, राजकुमार सरोज, दिनेश बिंद, संजय बिंद, चंद्रमा मिश्र, सुनील मिश्र सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी बात यह रही कि सभी ने सेवा सप्ताह को चरितार्थ करते हुए अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा में समर्पण दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस मनाने की कड़ी में वृद्धाश्रम पर भी एक अनूठा दृश्य देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने वृद्धों को विभिन्न वस्तुएं वितरित की, साथ ही उनकी सेवा के लिए सभी का आह्वान किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने यह भव्य कार्यक्रम किया। देखिए यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें आज गोपीगंज में इस प्रांगण में वृद्धाश्रम में आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोलूं? अगर मैं उनके बारे में बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूँ। पूरे देश में, पूरे विश्व में जनहित कार्यों को लेकर, सामाजिक कार्य को लेकर, सबके हित में लेकर विश्व में वो परचम लहरा रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री न कभी मिला था और न कभी मिलेगा। और आज उनका 70वां जन्मदिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है। ये सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसमें आपका अस्पतालों में, गरीब बस्तियों में, अपने वृद्धाश्रम में फल वितरण, मिठाइयाँ वितरण, फिर स्वच्छता अभियान को लेकर जगह जगह जहाँ गंदगी है अपने सार्वजनिक स्थानों पर वहाँ पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान के द्वारा एक मैसेज देने का कार्यक्रम, चश्मा वितरण का कार्यक्रम, यहाँ तक कि प्लाज्मा मतलब ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, ऐसे निमित्त कई कार्यक्रम चल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज बेरोजगारों ने पकौड़े तले। अगुवाई जिला पंचायत सदस्य सुरेश मिश्र और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन ने की। उधर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही कलेक्ट्रेट पहुंचे अपना दल के प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। इस पत्रक के जरिए डीएम सिंह गहरवार ने दुर्गागंज क्षेत्र के दिवंगत सैनिक रवि यादव के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उन्हें उनके गांव उदयकरणपुर के मार्ग को दिवंगत सैनिक के नाम पर रखे जाने की मांग की। आज के 12 दिन पहले हमारे देश का एक वीर सैनिक जो गंभीर बीमारी की वजह से हमारे भदोही विधानसभा ब्लॉक भोली करमपुर ग्राम सभा का निवासी श्री रवि यादव जी का स्वर्गवास हो गया। हम भाई शासन से आग्रह करते हैं कि उनके नाम पर कम से कम, जो आप शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम उनके नाम पर एक रोड उनके ग्राम सभा का, एक मुख्य प्रवेश द्वार उनके नाम से होना चाहिए और उनके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाए, शासकीय सहायता दी जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके
और चूंकि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति और परिवार का मान लीजिए कि इकलौता पुत्र था, और उस परिवार के साथ जो यह विकट घटना हुई है यह हृदय विदारक है। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि भाई मैं आपके पत्र को शासन स्तर पर पहुँचाऊँगा और शासन से आग्रह करूँगा कि भाई आपके आग्रह पर उनकी मांग पूरी हो। दरबार जी।